दोस्तों अगर आप भी सूर्य कुमार यादव और संजू सैमसन के फैन हैं तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों गुस्से से बौखलाए संजू तीसरे टी20 में साउथ अफ्रीका पर कहर बनकर टूट पड़े। अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से शतक जड़कर किया ऐसा कारनामा पूरी दुनिया दंग रह गई। तो आखिर कैसे अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से संजू बन गए अफ्रीका के लिए यमराज? कितनी गेंद में संजू ने शतक ठोककर इतिहास के पन्नों को पलट कर रख दिया? कैसे संजू बने दुनिया के सबसे तेज शतक जड़ने वाले खिलाड़ी? ताबड़तोड़ चौके छक्कों से सजी उनकी दहशत गर्द बल्लेबाजी का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, संजू सूर्य और हार्दिक में कौन सबसे खतरनाक खिलाड़ी है? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों भारतीय टीम इस वक्त साउथ अफ्रीका के दौरे पर है जहां सीरीज 1-1 से बराबरी पर खड़ी है। ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट कांटे का तीसरा टी20 मुकाबला सेंचुरियन के सुपर स्पोर्ट्स पार्क स्टेडियम पर शुरू हुआ, जहां साउथ अफ्रीका की टीम ने टॉस जीतकर पहले भारत को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया और खुद गेंदबाजी करने का फैसला किया और यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। हालांकि भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब हुई, ताश के पत्तों की तरह टीम बिखर रही थी। हमने एक के बाद एक तीन बल्लेबाजों को गवा दिया। हम 100 रनों से पहले ही ऑल आउट होने की कगार पर थे। उस वक्त संजू सैमसन ने भारतीय टीम की बागडोर अपने कंधों पर संभाली और अपने बल्ले से ऐसा जौहर दिखाया, देखकर पूरी दुनिया एक बार फिर संजू की मुरीद हो गई। दोस्तों आपको बता दें, साउथ अफ्रीका के जज्बे पर संजू का जिगरा उनके घर में भारी पड़ा। आते ही उन्होंने विकेट के बिल्कुल सामने तीर की तरह खूबसूरत चौका लगाकर अपना खाता खोला था। जब आगाज ऐसा हो तो अंजाम क्या होगा, इससे ही फैंस को अंदाजा हो गया था कि संजू आज कुछ तो अलग करने के इरादे से आए हैं। उनके सर पर तो खून सवार था। उन्होंने गेंदबाजी करने आए जेराल्ड कोएत्ज़े की लगातार 4 गेंदों पर 3 खौफनाक छक्के और एक ऐसा खतरनाक चौका लगा दिया जिसे देख पूरा स्टेडियम झूम उठा। दर्शकों में संजू ने एक नई जान फूंक दी थी। भारतीय खेमे में जीत की उम्मीद वापसी लाकर रख दी थी क्योंकि संजू सैमसन का बल्ला आग उगलने को तैयार हो चुका था। उनका यह ओवर मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और देखते ही देखते उन्होंने अपने विस्फोटक अंदाज में इस टी20 मैच को टी10 बनाते हुए फैंस को सिक्सर किंग युवराज सिंह की याद दिला दी। चौके छक्कों की झड़ी लगा महज 22 गेंदों पर अपना एक और बेमिसाल टी20 इंटरनेशनल अर्धशतक पूरा कर लिया, जिस पर भारतीय टीम से लेकर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई। बस फिर क्या था, हर तरफ केवल संजू संजू ही सुनाई दे रहा था। अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम उन्हें आउट करने का पूरा प्लान तैयार करने में जुटे हुए थे। उन्होंने अपने गेंदबाजों को पास में बुलाया, लंबी बातचीत की। ऐसा लगा कि वो संजू को अपने जाल में फंसा लेंगे, लेकिन संजू इस मैच में भी नई छाप छोड़ने के इरादे से उतरे थे। जब संजू का बल्ला गरजा तो उनके सामने साउथ अफ्रीका थर थर कांप उठी, पर संजू टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे थे। तो वे संजू सैमसन अपने पहले इंटरनेशनल शतक की तरफ बढ़ चुके थे। इसी दौरान उन्हें आउट करने का एक बड़ा मौका साउथ अफ्रीका के पास आया। महाराज की गेंद पर संजू ने गलती कर दी। गेंद बहुत देर हवा में थी, ऐसा लगा था कि फील्डर उसे कैच कर लेंगे, लेकिन किस्मत थी उसी का साथ देती है जो उसे पलटने का दम रखता है। संजू का आसान से कैच फील्डर ने छोड़ दिया। बस फिर क्या था, पूरे स्टेडियम में जोश की नई लहर दौड़ गई और दोस्तों जले पर नमक छिड़कते हुए संजू ने गेंदबाज की अगली गेंद को स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में मारकर जीवन दान को सेलिब्रेट किया। और दोस्तों असली हाहाकार तो मचाया उन्होंने मार्को जॉनसन के ओवर में, जिनके खिलाफ एक नहीं दो नहीं बल्कि लगातार 4 गेंद पर 4 खौफनाक छक्के जड़कर वो 99 रनों के स्कोर पर पहुंच चुके थे। अब उन्हें अपना शतक पूरा करने के लिए केवल 1 रन चाहिए था। ऐसा लगा था कि वो आसानी से 1 रन दौड़कर सेंचुरी पूरी कर लेंगे, लेकिन संजू ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि अपने आइडल महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में ही उन्होंने एडन मार्करम के ओवर की आखिरी गेंद पर उनके सर के ऊपर से एक ऐसा खौफनाक गगनचुंबी छक्का संजू ने ठोका जो गेंद तारामंडल को छूती हुई स्टेडियम के बाहर गिरी और इसी के साथ इस सितारे ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने नाम का झंडा गाड़ दिया। जी हाँ दोस्तों, केवल 43 गेंदों पर 105 रनों की तूफानी पारी खेलकर संजू ने पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुकाया और अपने शतक का इस्तकबाल किया। हर कोई खड़ा होकर उनके लिए तालियां बजा रहा था। आखिर हो भी क्यों ना, टी20 इंटरनेशनल में भारत की तरफ से संजू ने तीसरा शतक ठोककर इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाया था। अपनी इस विस्फोटक पारी के दौरान उन्होंने 9 खौफनाक छक्के लगाए थे जिनकी अद्भुत बल्लेबाजी देखकर तो हर कोई उनका दीवाना हो गया था। इसी के साथ संजू ने भारत की तरफ से एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी बना दिया, जिसे हासिल करना आज तक किसी के बस की बात नहीं हो पाई। यानी कि संजू ने तो अफ्रीका के तीसरे टी20 मुकाबले से ठीक पहले प्रैक्टिस मैच में पूरे क्रिकेट जगत में अपने नाम का डंका बजा दिया। तो सोचिए, जब प्रैक्टिस में ही उनका तूफान ऐसा था तो असली मुकाबले में तो क्या ही वो धमाल मचाएंगे। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि संजू सैमसन, हार्दिक और सूर्य में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।
दोस्तों इंडिया साउथ अफ्रीका पहले T20 में मचाए बवाल, गुस्से से संजू ने केवल अफ्रीका का घमंड ही नहीं बल्कि चकनाचूर कर दिया पवेलियन का शीशा। तो उनका ये रौद्र रूप देखकर मच गया अफ्रीकी खेमे में बवाल। तो आखिर क्या था वो मोमेंट जब संजू सही गाली गलौज पर उतर आए थे अफ्रीका के बदतमीज खिलाड़ी? कैसे संजू ने अपने बल्ले से कर दी उनकी बोलती बंद? वो खतरनाक मोमेंट बीच मैदान में हुए तगड़े ड्रामे का पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप भी टीम इंडिया की जीत और संजू की बैटिंग देखकर खुश हैं तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों पहले T20 में टीम इंडिया की जीत के हीरो तो संजू सैमसन बने हैं, इसमें तो कोई भी शक नहीं। जहां टीम इंडिया ने 61 रनों से इस मैच में बाजी मारी, वो भी संजू के 107 रनों की तूफानी पारी के दम पर। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है, जब संजू अपने बल्ले से छक्के चौके बरसा रहे थे इस दरमियान साउथ अफ्रीका के खिलाड़ियों ने संजू से गाली गलौज की थी, लेकिन उन्हें इतना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा ये तो उन्होंने शायद सपने में भी नहीं सोचा था। जी हाँ दोस्तों, अभिषेक शर्मा का विकेट मिलने के बाद अफ्रीका के खिलाड़ियों का सेलिब्रेशन देखने लायक था। उन्होंने तो ऐसे जश्न मनाया जैसे वो मैच जीत गए हैं। खास तौर पर जेराल्ड कुवेट से संजू के सामने ही चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, संजू को आंखें दिखा रहे थे। इसी दरमियान गुस्से में उन्होंने संजू को गाली दे दी जो संजू ने सुन ली, और संजू को उनका ये अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं आया। संजू ने तुरंत इसकी शिकायत करी और इस पर आपत्ति भी जताई। संजू तो खुद मामले को निपटाने के लिए कुवेट्से के पास पहुंच गए थे, उनका गुस्सा भी देखने लायक था। हालांकि एम्पायर बीच बचाव में जाकर मामले को शांत करने में कामयाब हो गए और बात ज्यादा आगे नहीं बढ़ी। लेकिन दोस्तों संजू सैमसन का गुस्सा आज 7वें आसमान पर था। उन्होंने मैदान में इतने गुस्से में पहले कभी नहीं देखा गया था। और फिर दोस्तों संजू सैमसन ने अफ्रीका की बदतमीजी का ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया जिसे वो आने वाले 7 जन्मों में भी नहीं भूल पाएंगे। जी हां, अगले ओवर लेकर आए जेराल्ड कुवेट्से के घमंड को चकनाचूर करते हुए संजू ने उनकी गेंद को इतनी दूर मारा कि तारामंडल को छूते हुए गेंद सीधा ड्रेसिंग रूम का शीशे चकनाचूर कर गई। जी हां, सीधा वो जाकर कांच में लगी और वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया। ये खौफनाक नजारा देखकर तो गेंदबाज से लेकर करोड़ों फैंस और अफ्रीकी खिलाड़ियों की भी आंखें फटी की फटी रह गई थी। उन्हें समझ में आ गया था कि संजू का दिमाग खराब हो चुका, और उसके बाद तो संजू सैमसन ने पहले 50 मारी फिर सेंचुरी मारी और अफ्रीकी गेंदबाजों का करियर ही अकेले समाप्त कर दिया और बता दिया कि संजू सैमसन से उलझना उनकी सबसे बड़ी भूल थी। तो दोस्तों आप संजू की इस पारी को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे, अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों अगर आप भी संजू सैमसन के तूफानी शतक को देखकर खुश हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले मैच में संजू सैमसन ने तूफानी शतक लगाकर रख दिया इतिहास, तो रोहित शर्मा, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी ने भी दे दिया दिल जीत लेने वाला बयान। जी हां दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए पहले T20 मैच में संजू सैमसन ने तूफानी शतक लगाया है, जिसे देखकर रोहित शर्मा, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी के भी होश उड़ गए। इस बीच तीनों दिग्गजों ने संजू सैमसन के साथ बाकी बल्लेबाजों की तारीफ करते हुए एक ऐसा दिल जीत लेने वाला बयान जारी किया है जो आपके भी दिल को छू लेगा। तो आखिर रोहित शर्मा, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी ने संजू सैमसन के साथ बाकी बल्लेबाजों की तारीफ करते हुए क्या कहा है, ये तो आपको बताएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, आज के दिन किस बल्लेबाज ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके दिखाया है, अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 4 मैच की T20 सीरीज का पहला मैच डरबन के मैदान पर खेला गया, जहां पर इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी की। इस बीच भारतीय टीम ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 220 रन का आंकड़ा पहली पारी में 20 ओवर के अंदर पार कर लिया, जहां पर भारतीय टीम की तरफ से संजू सैमसन ने तूफानी शतक लगाया। इस बीच उन्होंने लगातार दूसरे मैच में दूसरा शतक लगा दिया है, जहां पर आज संजू सैमसन ने 50 गेंद पर 107 रन का योगदान दिया है। ऐसे में संजू सैमसन के साथ बाकी बल्लेबाजों की शानदार बल्लेबाजी को देखते हुए रोहित शर्मा, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी का बयान सामने आया है, जिसमें रोहित शर्मा ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम के लिए संजू सैमसन ने जिस प्रकार से तूफानी बल्लेबाजी की उसकी तारीफ होनी चाहिए। संजू सैमसन ने इस मैच के अंदर एक बार फिर से शतक लगाया है और सभी को बता दिया है कि ये खिलाड़ी भारतीय टीम के लिए कितना ज्यादा खतरनाक प्रदर्शन कर सकते हैं। हालांकि पिछले कुछ समय से संजू सैमसन लगातार टीम के अंदर बाहर हो रहे हैं और उनकी तरफ से बेहतर प्रदर्शन देखने को मिल रहा था, लेकिन अब जिस प्रकार से आज के दिन एक बार फिर से संजू सैमसन ने तूफानी शतक लगाकर सभी को प्रभावित किया है, वो बताता है कि भारतीय टीम के लिए यह खिलाड़ी आने वाले समय में कितना ज्यादा खतरनाक प्रदर्शन कर सकता है। ऐसे में संजू को शानदार शतक के लिए हार्दिक बधाई। तो वहीं विराट कोहली ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम के लिए संजू सैमसन काफी ज्यादा खतरनाक बल्लेबाज है। उन्होंने अपने प्रदर्शन के जरिए पूरी दुनिया को काफी ज्यादा प्रभावित किया था, जिसका उदाहरण आज के मैच के अंदर देखने को मिल चुका है। उन्होंने पिछले मैच में तो शतक लगाया था, लेकिन इस बार एक बार फिर से शतक लगाया है और बता दिया कि भारतीय टीम को आने वाले समय में ये खिलाड़ी अपने प्रदर्शन से जीत दिलाने का दम रखता है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम के लिए सिर्फ संजू सैमसन ने बेहतरीन बल्लेबाजी नहीं की, बल्कि भारतीय टीम के लिए बाकी बल्लेबाजों ने भी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर दिया है, जिसमें सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा का नाम भी शामिल है। ऐसे में अब संजू सैमसन को एक और शतक के लिए मेरी तरफ से हार्दिक बधाई। तो वहीं महेंद्र सिंह धोनी ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम की तरफ से संजू सैमसन ने काफी ज्यादा
बेहतर बल्लेबाजी करते हुए शतक लगा दिया है। आज के दिन एक बार फिर से उन्होंने शतक लगाते हुए बीसीसीआई को बता दिया कि इनको शामिल करने से भारतीय टीम को कितना ज्यादा फायदा मिल सकता है। संजू सैमसन ने एक और शतक लगाते हुए पूरी दुनिया में अपना परचम लहराया है और बताया है कि ये खिलाड़ी भारतीय टीम के लिए आने वाले समय में और भी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि इस मैच में सिर्फ संजू सैमसन बेहतरीन बल्लेबाजी नहीं की है बल्कि भारतीय टीम के लिए एग्रेसिव अप्रोच में बेहतर बल्लेबाजी करने वाले तिलक वर्मा और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भी भारतीय टीम को मजबूती दिलाने का बड़ा कार्य किया है। तो दोस्तों, इस मैच में संजू सैमसन की तूफानी पारी को आप 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे, अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। तो अगर आप भी भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला T20 मैच देखने के लिए उत्साहित हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आखिरकार किंग्स मीट के मैदान पर साउथ अफ्रीका की टीम को